बंद हो गया था कैमरा, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा ही बंद हो गया, तो उसके आगे बीच में फिर सिनेमैटिक शूट कर रहा था ना, वो बंद हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जूता फट गया। गाइस आज हम मद्दू के लिए जूता लेके आएंगे, बोल रही जूता फट गया तो नया जूता तो लाना पड़ेगा ना, तो हम इसके लिए नया जूता लेके आएंगे आज। ठीक है मद्दू, आज हम आपके लिए नया जूता लाएंगे ना, बोल दो। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पर मैं बढ़िया नहीं हूँ गाइस। मेरा एक्सीडेंट हो गया अभी सुबह सुबह, मतलब ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था तो गली से अचानक से ना भैया निकल के बाहर आए एक, और वहाँ पे पानी था। भैया निकल के बाहर आए तो उन्होंने शॉर्ट मोड़ा, उनको लॉन्ग मोड़ना चाहिए, कभी हम गली से बाहर निकलते तो हमें लॉन्ग मोड़ना चाहिए, शॉर्ट नहीं मोड़ना चाहिए। तो एकदम से मैं जा रहा था सीधे ही, तो एकदम से आया, उनको बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक मारा और वहाँ पे गाड़ी का टायर मेरा स्लिप हो गया और पैर में लग गई चोट और स्वेलिंग भी आ गई। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आज हम लोग जा रहे हैं मसूरी में और वो एक हॉन्टेड हाउस भी है वहाँ एक, तो किस वजह से वो हॉन्टेड बना, क्यों बना, मैं आपको वीडियो बताऊँगा कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। तो मैं फटाफट रेडी होकर निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी, मैं आपसे रास्ते में मिलूँगा। तो गाइस मैं घट्टी गोला से थोड़ा सा ही ऊपर हूँ और देख सकते हो आप, इतना प्यारा सा है व्यू। तो गाइस मेरे को लग रहा थोड़ा सा ठंडा, तो मैं थोड़ा रुक के मैं धूप सेक लेता हूँ। ऐसा है कि एक ही कपड़ा पहन के आया हुआ सिर्फ यही है मेरे पास, और लेके भी नहीं आया हुआ मैं कुछ, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ठंडा होगा यहाँ पे। तो फिर बाकी हम ऊपर ही देखते हैं कितना ठंडा लगता है कितना नहीं लगता, पता नहीं क्या हालत होगी मेरी। तो मैं वही भी जाके आप लोगों से पूछ के आपको तब बताऊंगा कि कैसी प्लेस है वहाँ, क्या स्टोरी है कि क्यों इस वजह से उसका नाम हॉन्टेड हाउस पड़ा है, तो मैं आपको ऊपर ही बता पाऊँगा। फटाफट निकलता हूँ मैं। गाइज आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, मतलब मेरे को ठंडा लग रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय भी पी लूँ। मतलब ऐसा था कि मैंने उसे सुबह कॉल की थी दोस्त को, तो उसने बोला कि यार रास्ते में बिजी हूँ आज, मुझे जाना है, तो फिर ब्लॉग शूट करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर वो तो चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं ही अकेले ही चलता हूँ, ब्लॉग शूट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैं जैसे जैसे ऊपर आते जा रहा, ठंडा बहुत होते जा रहा है यहाँ पे, तो मैं कपड़े तो जितने पहन के आया भी नहीं हूँ, जिस हिसाब से ठंडा और भूख भी लगी थी, मैं थोड़ा सा चाय वाय पी लेता हूँ। तो गाइज चलो फिर अब हम चाय लेते हैं और चाय पीते हैं। ये भैया की शॉप है। चाय कितने की है? 15 एक चाय। तो गाइस ये दे सकते हो, मेरी चाय और नमकीन आ चुकी है, तो मैं फटाफट खा के निकलता हूँ, तो वहीं पे मिलूँगा फिर मैं आपसे, अब लंबी धार पे ही, नहीं तो लेट हो जाएगी। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ लंबीधार, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखो। और काफ़ी ठंडा भी हो रहा है यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ठंडा होगा, पर है ठंडा, अच्छा खासा ठीक ठाक ठंडा है। और मेरे फ़ोन की रस्ते में स्टोरेज ही फुल हो गई थी, तो मतलब बीच में मेरा फ़ोन बंद हो गया था कैमरा, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा ही बंद हो गया, तो उसके आगे बीच में फिर सिनेमैटिक शूट कर रहा था ना, वो बंद हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर मैंने उसके बाद फटाफट पेन ड्राइव लगाई और अपना पूरा सारा डाटा जो है फ़ोन का पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, तो थोड़ा फ़ोन अभी स्पेस हुआ है, तो फिर मैंने अभी शूट किया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे आप रुके हुए, डाटा ही ट्रांसफ़र कर रहा था, जैसे मैं ऊपर ही मिलूँगा मैं, शाम 3-4 बज चुके हैं, इससे ज़्यादा लेट होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
तो गाइज अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से तो हम हॉन्टेड हाउस पहुँच चुके हैं और आप ये सामने देख सकते हो मेरे हॉन्टेड हाउस है अगर दिख रहा है तो ये देखो तो ये तो चलो फिर निकलते हैं नीचे की तरफ नीचे ही चलते। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ठंडा हो रहा है मतलब इतना ठंडा हो रहा है कि मुझे कैप पहननी पड़ गई। अब आप सोच सकते हो कितना ठंडा हो रहा होगा और मेरी गाड़ी जो है ऊपर खड़ी है क्योंकि मैंने उन्होंने बोला कि तुम गाड़ी नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है गाड़ी नीचे जाएगी नहीं तो सारी गाड़ियाँ उन्होंने ऊपर ही खड़ी कर रखी तो मैंने भी ऊपर ही खड़ी कर दी। अभी मैं आपको नीचे वहाँ जा कर दिखाता हूँ क्या व्यू है। तो गाइस ये देख सकते हो मतलब ये है हॉन्टेड हाउस। फिर मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊँगा कि क्या स्टोरी है हॉन्टेड हाउस की। तो इसके अंदर अंदर चलते हैं देखते हैं मतलब क्या हुआ था ऐसा कि ये हॉन्टेड हाउस बना। तो गाइस ये देख सकते हो पूरा टूट फूट रखा है बहुत बेकार कंडीशन हो रही है इसकी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हादसा हो गया था मतलब ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ना ये अंग्रेजों के टाइम की है और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ये है सामने मेरे पहाड़ी देख रहे हो मतलब सामने देख रहे होंगे अगर आप पहाड़ी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे जो ये है ये इधर एक जगह ये जो यहाँ पे थोड़ा धूप की रोशनी आ रही है मतलब यहाँ पे पहले चूना पत्थर की माइनिंग होती थी मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे चूना पत्थर जो है वो करा जाता था यहाँ से मतलब बाहर कंट्रीज़ में जाता था तो चूना पत्थर की माइनिंग होती थी यहाँ पे। तो ये मतलब उनका ऑफिस टाइप था ऑफिस बोल सकते हो हेडक्वार्टर बोल सकते हो तो ये था उनका उस टाइम पे मतलब वो भी वहाँ पे भी उनका एक ऑफिस था बट हेडक्वार्टर बोलते थे कि ये था उनका हेडक्वार्टर ये मतलब उन लोगों का किचन है ये। और यहाँ पे देख लो देखो तो फिर मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा है यहाँ पे है ना। ये रहा मुझे मिल चुका है एंट्रेंस और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कितने सारे रूम है ये देखो रूम की हालत मतलब सब कुछ टूट फूट रखा होता है अंग्रेजों के टाइम का होता है हॉन्टेड हाउस बोलते हैं मतलब जो काम करते थे जिस पत्थर की माइनिंग करते थे मतलब ऐसा बोलते हैं कि उस पत्थर में कुछ केमिकल होता था तो मतलब उनको बॉडी को उनकी बॉडी को जो है हार्म करता था तो उनकी बॉडी को हार्म करता था तो जो काम करते थे मजदूर वो लोग मर गए थे तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती है। तो देखते हैं देखो हर रूम में यही हालत है मतलब वो यहाँ से देखते थे सामने उनका ऑफिस भी है तो मतलब यहाँ से वो नज़र रखते थे देखते रहते थे कैसा काम चल रहा कैसा नहीं चल रहा। वही एक हादसा था कि रूम्स जहाँ पे वर्क करते थे मजदूर लोग वही लोग रहते थे यहाँ पे। तो मतलब अब जब इंडियन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इतना कि मतलब इतना कुछ हादसा हो गया तो उसके बाद से बंद हो गया फिर ये देख सकते हो। तो यहाँ से कुछ व्यू दिखा था फिर से मुझे आगे ऊपर चलते हैं जितना ऊपर जा सकते उतना ऊपर जाएंगे। देख सकते हो वहाँ से व्यू और ये भी उनका छोटा सा ऑफिस है यहाँ पे मतलब वो लोग बैठते थे जो ऑफिसर्स थे। गाइस मैंने भी भैया से पता किया वो बोल रहे थे कि स्टोरी तो मतलब रियल है ऐसी कोई फेक स्टोरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ रियल है। मैंने आपको दिखा दिया हॉन्टेड हाउस का व्यू कैसा है काफ़ी अच्छी जगह है अगर किसी को पता है इस जगह के बारे में स्टोरी तो उसे अच्छा लगेगा घूमने में मज़ा आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है निकलता हूँ मैं अब घर के लिए नहीं तो लेट हो जाएगी। तो फिर जिस हिसाब से रास्ता है आपने देख ही लिया होगा सिनेमैटिक में रास्ता थोड़ा वैसा है तो मतलब लाइटें भी नहीं है रास्ते में तो दिक्कत हो जाएगी तो मैं टाइमली घर चल जाऊँ तो अच्छा है ना। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपको वीडियो अच्छी लगी है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी मेरी और वीडियोस के लिए थैंक यू। तो गाइस अब हम चलते हैं घर
तेरी गाड़ी ऊपर खड़ी है, मैं फटाफट गाड़ी के पास जाता हूँ, फटाफट घर निकलता हूँ, तो फिर घर पे ही मिलते हैं आपसे। टाइमली पहुंच चुका हूं घर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।